हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट टू कंप्यूटर साइंस क्लास 11th सेट टू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपके ही कमेंट पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज, अब बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज़ का यूज होने लगा था। तो मैंने ये फर्स्ट जब सेट करा रहा था तो उसी में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो देखो, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। किसके जगह पर? तो वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही, ठीक है। तो यह मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है। और मैं बात करूँ इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसको यूज करते हैं, और वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इन्वेंटेड द एडिंग मशीन, अब बताना है कि एडिंग मशीन का इन्वेंटेड यानी आविष्कारक कौन है, ठीक है। चार ऑप्शन से कौन कौन से हैं कि गॉटफ्राइड लेबनाइट है, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आपको कर लेना है ना, अगर गलती होता है प्रोनाउंसिएशन में। तो उसके बाद है ब्लेसी पास्कल है, उसके बाद थर्ड है जॉन नेपियर है, और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो अब बताना है कि इसमें कौन सा कौन है। तो एडिंग मशीन इसमें जो है ब्लेजी पास्कल जो है इन्होंने खोज किया था। कब किया था? तो ये 1682 से, यानी इनका जो खोजने का जो पीरियड था वो इतना था, ठीक ना, यानी यही दोनों के बीच में जो थे उन्होंने इनको खोजा था, इन्वेंट किया था, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो ये पास्कल जो हैं द फर्स्ट कैलकुलेटर थे, है ना, एडिंग मशीन टू बी प्रोड्यूस इन एनी क्वांटिटी एंड एक्चुअली यूज, ठीक है। तो पास्कलाइन वाज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियंस फिलोसोफर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूँ जॉन नेपियर की, तो जॉन नेपियर को जाना जाता है डिस्कवर ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम के लिए इनको जाना जाता है, और इन्होंने इन्वेंट किया था नेपियर्स बोन का, ठीक है। और साथ ही साथ मेड कॉमन द यूज ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन अर्थमेटिक एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अंक गणित में और गणित में जो दशमलव बिंदु के उपयोग को सामान्य इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, कौन? जॉन नेपियर, ठीक है। और मैं बात करता हूँ गॉटफ्राइड का, है ना, तो गॉटफ्राइड एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जो डेवलप किए थे नोटेशन, है ना, फॉर द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ब्लेसी पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, बताना है कि फर्स्ट यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब किस ईयर डेवलप हुआ था, 1966 में, 1946 में, 1876 में, या 1846 में। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड है, 1946। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को ENIAC के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कब हुआ था? तो ड्यूरिंग 1943 से लेकर के 1946 तक, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब हुआ था, तो इसका जो डेट है वो फरवरी 14, 1946, ठीक है, तो इस दिन जो है हुआ था। और एपियर कहाँ हुआ था? तो 1943 इन इंग्लैंड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के इन्वेंटर कौन कौन हैं? तो जे प्रेस्पर, है ना, जे प्रेस्पर हो गए, और जॉन माउचली हो गए, ठीक है। तो ये दोनों जो थे इन्वेंटर थे, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड 1946 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स आर देयर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, अब बताना कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने यूनिक सिंबल हैं, ठीक है। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट है 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल जो है रिप्रेजेंट करता है ओनली 16 सिंबल्स, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से सिंबल हैं? तो दीज सिंबल आर 0 है, 1 है, 2 है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, और फिर हो गया कैपिटल ए, हो गया बी, हो गया, है ना, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। और मैं बता दूँ इसके बारे में, तो ईच डिजिट्स रिप्रेजेंट अ डेसिमल वैल्यू, ठीक है, जितने भी मैंने बताया सब क्या करते हैं, डिजिट यानी प्रत्येक जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल वैल्यू को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए है 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 किलोबाइट, अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि 1 किलोबाइट में पूछ रहा है कि कितने बाइट होते हैं। अब बताओ कि 1 निबल में, पहले हमको बताओ कि 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं,
कितने बिट्स होते हैं, तो 4, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ और स्क्रीन पर जो इमेज आ रहा है इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारा चीज़ लिख लेना, और जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पॉज करके इसको ज़रूर लिख लेना। देखो के नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टार्ट मोड फॉर विंडो। अब बताना है कौन होगा, सेफ मोड होगा, और कौन कौन ऑप्शन है, तो नॉर्मल मोड होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो देखो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, यानी नॉर्मल मोड इसका जो है सही होगा सेकेंड। तो डिफॉल्ट मोड जो है एक टेक्निकल टर्म नहीं है, इट इज़ द डिफॉल्ट ऑपरेटर, ठीक है, इट इज़ द डिफॉल्ट ऑपरेशन मोड ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि सेफ मोड जो है, इसकी बात कर रहा हूँ सेफ मोड, तो जबकि सेफ मोड जो है इज ए डायग्नोस्टिक मोड फॉर ट्रबल शूटिंग इशू इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बात करूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज CMD, ठीक है, CMD और EXE के नाम से भी इसको जाना जाता है, या CMD के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है एक डिफ़ॉल्ट कमांड है जो लाइन इंटरप्रेटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका सही ऑप्शन जो है नॉर्मल मोड हो जाएगा, और ये एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म नहीं है नॉर्मल मोड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका कॉन्सेप्ट के साथ भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड्स फॉर। अब बताना है कि NTFS का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। फर्स्ट है नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, सेकंड है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और थर्ड है नेवर टर्मिनेट फाइल सिस्टम, और फोर्थ है न्यू टाइप फाइल सिस्टम। तो अब बताओ इसका क्या होगा, तो इसका होता है N फॉर न्यू, T फॉर टेक्नोलॉजी, और F फॉर फाइल, और S फॉर सिस्टम, यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, और ये स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के लिए स्टैंड्स होता है, ठीक है। और मैं बात करूँ कि इट इज द ऑफिशियल स्ट्रक्चर फॉर द विंडो NT ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ, तो एग्जाम्पल इसमें है कि विंडो 2000। अब इसमें इंक्लूड जैसे विंडो XP हो गया, है ना, विंडोज सर्वर 2003 हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, तो ये सभी जो है इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन जो है सेकंड इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक प्रोग्राम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाता है। अब मैं डाटा बेस सॉफ्टवेयर की बात करूँ, डाटा बेस सॉफ्टवेयर की, तो इट इज यूज टू क्रिएट, एडिट एंड मेंटेन डेटा बेस फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो ये सब इसका यूज होता है। अब मैं बात करूँ वर्ड प्रोसेसिंग की, तो वर्ड प्रोसेसिंग इज ए सॉफ्टवेयर, इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कौन करता है, तो हार्ड डिस्क जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, मैंने एग्जांपल भी बताया था, फिर से मैं इसको बता देता हूँ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल हैं, जैसे लेजर प्रिंट हो गया, है ना, इंजेक्ट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंट हो गया, तो ये सभी के सभी क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब मैं इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर के, तो बॉल प्रिंटर हो गया, है ना, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेसी व्हील हो गया प्रिंटर, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, ये सभी के सभी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे लेजर प्रिंट है, है ना, इंजेक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ये सभी। तो बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन जो है थर्मल प्रिंटर सही हो जाता है, तो इसका जो ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि नंबर, है ना, कह रहा है कि नंबर ऑफ बीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। अब बताना है कि
नंबर ऑफ बीट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। अब चार ऑप्शन है, क्लॉक स्पीड है, बैंडविड्थ है, इंस्ट्रक्शन सेट है, ऑल ऑफ दीज है। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन सेकंड, बैंडविड्थ। ठीक है, अब मैं इसके बारे में कुछ बताऊँ तो द नंबर ऑफ बीट्स एंड द नंबर ऑफ बीट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज नोन एज बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ का डेफिनेशन है। अब मैं क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो क्लॉक स्पीड जो है इट मेजर्स द नंबर ऑफ साइकिल्स, है ना, किसको मेजर करता है, नंबर ऑफ साइकिल को मेजर करता है सीपीयू का। ठीक है, एग्जीक्यूट पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, और ये क्या मेजर करता है, जी एच जेड, मतलब गीगा हर्ट्ज, है ना, गीगा हर्ट्ज। तो इसको जो है ये मेजर करता है कौन, क्लॉक स्पीड। अब मैं इसकी बात करूँ कि PCI stands for PCI, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन है कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरनेट या प्रोसेसर कंप्यूटर इंटरकनेक्ट। देखो पी फोर होता है पेरिफेरल और सी फोर होता है कंपोनेंट और आई फोर होता है इंटरकनेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाता है। यहाँ पर इंटरकनेक्ट नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पर इंटरकनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सही इसका हो जाता है। ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश इज द एबिलिटी फॉर मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। अब बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, इनहेरिटेंस होगा, मॉड्यूलरिटी होगा या नन ऑफ दीज होगा। ये ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही, पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में मेन फीचर की बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और ये डिस्क्राइब करता है एबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैव और टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ पॉलीमॉर्फिज्म की, तो एग्जाम्पल इसका प्रिंट ये वाला हो गया है ना, मेथड हो गया प्रिंट मेथड, और जैसे हो गया चार, हो गया इंट, हो गया स्ट्रिंग, हो गया etc। अब मैं इसके बात करूँ टाइप की, तो ये देखो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही ऑप्शन जो है कि इज एबिलिटी ऑफ फॉर मैसेज और डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ड हैविंग ए स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होगा, कीवर्ड होगा, लेटर होगा, आइडेंटिफायर होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो देखो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी ये आइडेंटिफायर सही है। चूँकि देखो आइडेंटिफायर जो है रिजर्व वर्ड होता है, तो रिजर्व वर्ड को ही आइडेंटिफायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आइडेंटिफायर इज ए वर्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, अब रिजर्व आइडेंटिफायर की मैं बात करूँ तो इट इज़ अ वर्ड दैट कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। अब इसका एग्जांपल की बात करूँ तो नेम ऑफ वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, है ना, तो इस तरह से जो है इसके ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है इसमें थर्ड सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट ये जो है इसका यूज किस लिए करते हैं, एग्जीक्यूट, रिजल्ट, प्रिंट या नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आपके लिए है और आप बताना कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अब देखो ASCII जो है इसमें वैल्यू ऑफ डी क्या होता है, तो इसमें बताओ 68 होता है, 99 होता है, 100 होता है कि नन ऑफ डीज होता है। तो देखो ASCII वैल्यू में स्मॉल डी जो है ना, इसका स्मॉल डी का वैल्यू जो है 100 होता है, तो ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। अब बताओ कैपिटल डी होता तो कितना इसका वैल्यू होता है, तो ये जो इमेज पर जो स्क्रीन पर इमेज आ रहा है इसमें जो दिया हुआ है इसको आप याद कर लेना और समझ लेना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 100 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि ये जो लिखा हुआ है रीमा, ठीक है, यहाँ पर सब कैपिटल में है, REE है ना, MA और ऐसे असले से, और छोटा n है, और इसे बताना है कि साइज इसका क्या है, 8 है, 7 है, 9 है कि नन ऑफ दीज है। तो इसका देखो सही साइज है, इसका सही साइज ऑप्शन सेकंड है 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश आर यूज फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग, वर्चुअल फंक्शन, इनहेरिटेंस, टेम्पलेट या नन ऑफ दीज। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है टेम्पलेट्स, ठीक ना। अब देखो टेम्पलेट इन C++ एक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए होता है। ठीक है, और इट इज अ सिंपल पावरफुल टूल, एक सिंपल साधारण टूल है दैट एक्ट्स एज एन ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग जेनेरेटिक फंक्शन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन टेम्पलेट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑप्शन
मेन फंक्शन यहाँ पर होगा, है ना, ये क्या होगा, मेन फंक्शन, एम ए आई एन, मेन फंक्शन, या यूजर डिफाइंड फंक्शन, या वॉइड फंक्शन, या नन ऑफ दीज। देखो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट सही है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो होता है सर्व्स करता है एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटर, ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि सिंटेक्स इरर कम्स व्हेन, अब कब आता है, द रूल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड व्हेन प्रोग्राम स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल, व्हेन प्रोग्राम इज नॉट सेव्ड, या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही होगा, रूल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड। अब बताओ सिंटेक्स इरर जो है रेफर्स क्या करता है, ये रेफर्स करता है मिस्टेक को, मिस्टेक इन कोड दैट वायोलेट द प्रोग्राम लैंग्वेज रूल्स एंड प्रिवेंट्स इट फॉर्म एग्जीक्यूटिंग करेक्टली, ठीक है, तो इसलिए इसका जो है यूज होता है, तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताओ ये ऑपरेटर है इसका किस लिए यूज होता है, तो कंबाइन टू बुलियन वैल्यूज, कंपेयर टू बुलियन वैल्यूज, कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यूज, या कंपेयर टू न्यूमेरिक वैल्यूज। ये जो स्क्रीन पर इमेज आ रहा है उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। अब मैं बात करूँ थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट की, तो इक्वालिटी, देखो इक्वालिटी ऑपरेटर हो गया, जैसे ये वाला है ना, इक्वालिटी ऑपरेटर हो गया, इज यूज टू कंबाइन टू वैल्यूज, है ना, तो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए जो है इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज होता है, या दो एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो इस तरह, या दो बुलियन हो, तो इसके लिए जो है यूज होता है, ठीक है, किसका, इक्वेटर ऑपरेटर का, यानी ये वाला। तो यहाँ पर पूछा है ये वाला ना, तो ये वाला पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगा, तो कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यू, तो यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर टी डब्ल्यू ओ है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है टी डब्ल्यू ओ है, टू नहीं है, यहाँ पर क्या है टी डब्ल्यू ओ, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर टी डब्ल्यू ओ है। इनकी बात करते हैं कि ऑपरेटर दैट टेक्स टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड, अब बताना है क्या कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो है, बाइनरी ऑपरेटर परफॉर्म्स करता है एक्शन टू ऑपरेंड्स, ठीक है, कितने ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स, ठीक है, टू ऑपरेंड्स। और टर्नरी ऑपरेटर जो है, यानी ये वाला, ये टेक्स थ्री ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड्स लेते हैं, तीन लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर की बात करूँ तो यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू। अब मैं यूनरी माइनस की बात करूँ जैसे ये हो गया, यूनरी प्लस की बात करूँ तो ये हो गया, अब इंक्रीमेंट की बात करूँ तो ये हो गया, ठीक है, और डिक्रीमेंट की बात करूँ तो ये हो गया, ठीक है, लॉजिकल नोट का बात करूँ तो ये हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इज, अब बताना है ये चारों में से कौन सा है, ठीक है, तो मैंने इमेज में ये बता दिया था कि कौन है, फिर भी मैं इसको बता देता, तो देखो 20 जो है इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ये फर्स्ट सेकेंड जो है ये वाला सही हो जाएगा, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, सेट है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको आप बताना कि कमेंट करके कि इसका कौन सा ऑपरेटर है और इसका कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल कंबाइंड टू ऑपरेंड्स, कंपेयर टू ऑपरेंड्स, यील्ड अ बुलियन रिजल्ट, या असाइन वन ऑपरेंड्स टू अनदर। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन कंपेयर टू ऑपरेंड्स, ठीक है, तो ऑप्शन जो है सेकेंड इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि UTF रेफर्स टू, किसको रेफर करता है, यूनियन ट्रांसलेशन फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, या ऑप्शन थर्ड है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, या यूनियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अब बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका देखो UTF है ना, UTF रेफर करता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी ऑप्शन जो है इसका सेकंड जो है सही हो जाता है। क्या कहता है कि द रिपीटिशन ऑफ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डिपेंडिंग अपन अ कंडीशन टेस्ट इज नोन एज, तो किस नाम से जानते हैं उसको, सिलेक्शन या नन ऑफ दीज। तो देखो इसको नाम जाना जाता है इंटरेक्शन, ठीक ना, अब आपको ध्यान रखना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑपरेशन कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इफ स्टेटमेंट्स, अब बताओ कौन सा हो जाएगा, तो चारों में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें बताओ कंडीशनल ऑपरेटर को जो है इसी को जाना जाता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है किसको, कंडीशनल ऑपरेटर को, इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। देखो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स डज व्हाइल लूप एग्जीक्यूट, 4 times, 3 times, 2 times, या 1 time। देखो ये जो होता है ना व्हाइल लूप, ठीक है, तो ये जो व्हाइल लूप होता है ना एट लीस्ट 0 time होता है, ठीक है, व्हाइल लूप क्या होता है, एट लीस्ट 0 time, लेकिन अब यहाँ पर 1 दिया है तो इसमें जो है
वन ही में मार देना इसे, तो एटलीस्ट जीरो टाइम होता है, इसको आप थोड़ा देख लेना, ठीक ना, इसको आप थोड़ा देख लेना, तो इसमें आप इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कीवर्ड ब्रेक कैन नॉट बी सिंपली यूज विद इन क्या वाइल्ड फॉर इफ इल्स डू वाइल। अब बताओ इसमें क्या होगा, कीवर्ड जो है ब्रेक कैन नॉट बी सिंपली यूज विद इन किस में, वाइल्ड में, फॉर में, इफ इल्स में या डू वाइल में। तो देखो इसका सही आंसर है इफ इल्स, ठीक है, चूंकि इफ इल्स इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरे ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, बताओ क्या कहते हैं, मल्टी कास्टिंग एरे कहते हैं, यूनिकास्टिंग एरे कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं या वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल एरे ऑप्शन जो है थर्ड इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर फाइंडिंग अ वैल्यू इन एन एरे, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, लिनियर सर्च एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट या ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो देखो इसका सब होगा, ठीक ना, क्या होगा, सब होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ एन एरे, इंडेक्सेस ऑफ एन एरे, एलिमेंट ऑफ एन एरे या ऑल ऑफ दीज। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो होते हैं एरे में उसको एरे एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो थर्ड जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्री डिफाइंड फंक्शन एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट आर एक्सेस्ड थ्रू क्लासेस, ऑपरेटर, हेडर फाइल या ऑल ऑफ दीज। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेडर फाइल। क्या कहता है कि वॉइड फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब क्या कहते हैं, सब रूटीन कहते हैं, प्रोसीडर कहते हैं, बोथ सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड या टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो देखो वॉइड फंक्शन जो है इसको जाना जाता है नन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें बोथ होगा दोनों, ठीक ना, यानी ऑप्शन जो है थर्ड इसका जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि विच फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाई सी प्लस प्लस रेड्यूसिंग फंक्शन कॉल ओवरहेड, ऑनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन या इनलाइन फंक्शन। अब बताओ इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकेंड है, इनलाइन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि यह फंक्शन दैट नीड्स नो रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड फाइनाइट फंक्शन, वॉइड फंक्शन, इनफाइनाइट फंक्शन या ऑल ऑफ दीज। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो देखो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वॉइड फंक्शन, ऑप्शन जो है सेकेंड इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट इज नॉन एज क्या, सिमेंटिक्स, प्रोटोकॉल, सिंटैक्स या नॉन ऑफ दीज। तो बताओ द सेट ऑफ रूल्स जो स्टेटमेंट मीनिंग देता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सिमेंटिक्स, प्रोटोकॉल, सिंटैक्स या नॉन ऑफ दीज। तो देखो अब जो सिंटैक्स जो है डिफाइन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल को, सिमेंटिक्स की मैं बात करूँ तो डिफाइन करता है द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट को, प्रोटोकॉल की बात करूँ तो प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, एग्जाम्पल हो तो इथरनेट हो गया, HTTP हो गया। तो अब इसका बताओ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन सिमेंटिक्स जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स दैट सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एल्गोरिदम, प्रोटोकॉल, डिजाइन या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एल्गोरिदम हो जाएगा, ठीक है, इसका यूज करते हैं सोल्व अ क्लास ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ 39 कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वी कैन हैव इन एनी स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें जो होता है ना, इसमें तो इसमें जो होता है इसमें 118 होता है, ठीक ना, शायद इतना ही होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो है ना, तो ऑप्शन जो है इसमें डी जो है सही हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप खुद से थोड़ा सा पढ़ करके देखना कि क्या इसका आंसर आता है, ठीक ना, इसका नन ऑफ दीज मैं मान रहा हूँ, आप थोड़ा इसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एरे एलिमेंट में भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नन ऑफ दीज, आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड सही हो जाता है। तो इसलिए हमने तो इस तरह से हमने जो है सेट टू को भी सोल्व कर लिया। अगर मैं एक आध क्वेश्चन छोड़ा हूँ तो आपको खुद से वो करना है, तो आपके ही कमेंट पर मैं ये वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो, और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया कीजिए, और आपको बताया कीजिए कि और क्या चाहिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसलिए आपके प्रिपरेशन के वजह से मैंने ये बनाया है, ठीक है, तो आप इसमें पढ़ लेना अच्छे से और अच्छे से एग्ज़ाम देना ताकि मार्क्स जो है अच्छा आए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।